टी20 विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को एक बेहद रोमांचक मैच में हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बैटिंग करने का न्योता दिया था। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 177 रनों का लक्ष्य रखा। लक्ष्य का पीछा करते हुए एक समय ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 12.2 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 96 रन था और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान ये मुकाबला जीत सकता है। डेविड वार्नर, एरॉन फिंच, स्टीव स्मिथ और मैक्सवेल जैसे धुरंधर बल्लेबाजों को आउट करने के बाद मैच लगभग पाकिस्तान के हाथ में था, लेकिन जब मैथ्यू वेड केवल 21 रन पर थे तब उनका कैच शाहीन अफरीदी की गेंद पर हसन अली ने छोड़ दिया। इसके बाद मैथ्यू वेड ने लगातार 3 छक्के लगाते हुए मैच एक ओवर पहले ही ऑस्ट्रेलिया की झोली में डाल दिया। इस हार के बाद सोशल मीडिया पर कई लोग पाकिस्तान टीम को ट्रोल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई लोग उन्हें भी ट्रोल कर रहे हैं जिन्होंने इसी विश्व कप में भारत पर पाकिस्तान की जीत के समय अजीबोगरीब बयान दिए थे। इनमें पाकिस्तान सरकार में मंत्री शेख रशीद अहमद भी शामिल हैं। शेख रशीद अहमद ने तब कहा था कि पाकिस्तान की जीत इस्लाम की जीत है और इस जीत में भारत के मुसलमानों के जज्बात भी पाकिस्तान टीम के साथ थे। अब जब पाकिस्तान को विश्व कप में हार का सामना करना पड़ा तो शेख रशीद ने ट्वीट किया कि टीम पाकिस्तान, आपने बहुत अच्छा खेल दिखाया। पूरे टूर्नामेंट के दौरान आपका प्रदर्शन असाधारण रहा, लेकिन इस सेमीफाइनल में कोई बात नहीं, यह भी ठीक है। पिछले 4 हफ्तों के दौरान आपके बेहतरीन प्रयासों के लिए और 22 करोड़ पाकिस्तानियों के चेहरों पर खुशी लाने के लिए हम आपके आभारी हैं। शेख रशीद के इस ट्वीट पर अब कई लोग उन्हें उनके पुराने बयान की याद दिला रहे हैं। प्रभाकर दत्तारे ट्विटर पर लिखते हैं कि टी20 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान की हार इस्लाम की हार है। बीजेपी के नेता प्रशांत उमराव ने भी ट्वीट कर पूछा है कि क्या ये इस्लाम की हार है। विकास बीरेंद्र सिंह ने लिखा है कि तो आज ईसाइयत जीत गई। पाकिस्तान की हार के बाद ट्विटर पर अलग अलग तरह के रिएक्शन भरे पड़े हैं। हसन अली को भी कई लोग ट्रोल कर रहे हैं, उनके समर्थन में भी ट्वीट किए जा रहे हैं। हसन अली के सुन्नी होने और उनकी पत्नी के भारतीय मूल का होने का जिक्र करते हुए भी कई लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। पाकिस्तान की टीम भले ही विश्व कप मुकाबले से बाहर हो गई हो, लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने दिखाया उसकी सभी ने तारीफ की। कई पूर्व खिलाड़ियों और राजनेताओं ने उनके समर्थन में ट्वीट किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, जो अपने ज़माने के मशहूर क्रिकेटर भी रहे, उन्होंने ट्वीट किया है कि टीम की भावनाओं को पूरी तरह समझ सकते हैं। पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी वकार यूनुस ने लिखा है कि भले ही आप विश्व कप ना जीत सके, लेकिन आपने सभी पाकिस्तानियों का दिल जीता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज रहे शोएब अख्तर ने भी टीम के खिलाड़ियों के साथ बने रहने की अपील की है।